स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी पर बेस्ड, और हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? तो एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको अपन वन बाई वन सॉल्व करते हैं। मेरे बोर्ड में क्वेश्चन का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं या बुक से कंसल्ट करिए। यहां मैं बुक से रीडिंग भी करूंगा, एक बार स्टेटमेंट को मैं फिर एक बार इस बात को अगेन अपने न्यूमेरिकल्स के क्लास में दोहराता हूं कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेटमेंट। आप ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। ये दो चीज़ पता चलने के बाद आप रिलेटेड फार्मूला अपने ब्रेन में रिकॉल करिए, वहाँ पर वैल्यू पुट अप करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए। बस न्यूमेरिकल बनाने का इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स एनसीईआरटी की बुक में ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। स्टेटमेंट आप मेरे बोर्ड से पढ़ सकते हैं, मैं एक बार यहाँ रीड भी कर रहा हूँ। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे जो गिवन है आपको लिखते जाना है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए गिवन, कि आपके क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ये लिस्टिंग करना जरूरी है। एंड रोल डाउन ए हिल विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस इक्वल 400 मीटर इन 20 सेकंड, टाइम इज 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, वो फाइंड करने बोलता है, फाइंड करना है कि आपको एक्सेलरेशन। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मासेस इज 7 टन, उसका फोर्स उस पर फाइंड करने बोलता है अपने को फोर्स, और मास भी गिवन है, मास भी गिवन है। हम यहाँ पर मास को लिख लेते हैं, अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसका जो मास है m इक्वल टू दिया है 7 टन। ठीक है, दैट मीन्स 7 टन को यदि हम केजी में चेंज करें तो 7 इंटू 1000, अब ये क्या हो जाएगा केजी। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 1 to 3, आप इसको केजी लिख सकते हैं। ये आपका गिवन है और आपको फाइंड करना है। ये इतना आपको देने के बाद आप तुरंत समझ सकते हैं कि मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना है। क्लियर? तो आप यहां पर देखिए, जो फार्मूला आप यूज करेंगे उसमें आपको u गिवन है, s गिवन है, t गिवन है, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है s इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस फार्मूला को देखिए, इसमें s u t गिवन है, आप फाइंड कर सकते हैं क्या a, तो आपको ये फर्स्ट फाइंड हो जाएगा। मतलब देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने का आप एक हैबिट बनाइए, धीरे धीरे आप 9 10th क्लास में ट्राई करेंगे तो आपको 11 12th में बहुत इजी होगा। ये एक तरीका है जो बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना चाहिए। दैट इम्प्लाइज अ वैल्यू, आप पुट अप करिए, एस का वैल्यू कितना है 400 मीटर, ये हमने पुट अप कर दिया 400 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, दे जीरो हो जाएगा। अब जीरो का टाइम का कोई मतलब नहीं, फिर भी अपन यहाँ पुट अप कर देते हैं, प्लस 1/2 ए हमको फाइंड करना है, और टाइम कितना है अपने पास, टाइम इज 20 सेकेंड। क्लियर? ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 400 इक्वल, ये तो जीरो मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, और ये हो जाएगा 1/2 ए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, दैट इम्प्लाइज ये 400 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दें a इक्वल टू 2, और इसका यूनिट लिख देंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर सेकंड टू द पावर -2 आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर? ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्स। अब आप यहां पर देखिए, आपको एक्सेलरेशन पता हो गया और आपको मास पता है और आपको फोर्स फाइंड करना है, तो आप यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे,
आप यहाँ पर ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें फोर्स आए, मास आए और एक्सेलरेशन आए। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है? न्यूटन सेकंड लॉ का, दैट इज एफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट इंप्लाइज फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इक्वल टू मास इज 7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाला है क्या 2, तो यह हो जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर 3 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 14000 न्यूटन। इस तरह से ये हमारा आंसर नंबर सेकंड में आएगा। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप इससे समझ रहे हैं कि आपको सबसे पहले गिवन और फाइंड लिखने के बाद आपको रिलेटेड फार्मूला ध्यान में आ जाता है। क्लियर? सबसे पहले आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और चैप्टर में जितने फार्मूले यूज हुए हैं वो आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले हो रहा है, अब आप उसको ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पढ़ने के बाद देखिए गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। क्लियर? नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, ए स्टोन इज 1 kg इज थ्रोन विथ है। देखिए स्टोन का मास दे दिया, आप स्टार्टिंग में ही मास लिख लीजिए कितना 1 kg, स्टोन का मास 1 kg है। विथ ए वेलोसिटी, देखिए आपको वेलोसिटी दे दिया तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। क्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, कम टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, कम्स टू रेस्ट। पढ़ने का तरीका यही है, आप स्टेटमेंट पढ़िए और जो जो गिवन है आप उसको लिखिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यहाँ पर आपको पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स फोर्स। क्लियर? अब आप गिवन को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको फोर्स चाहिए और फोर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि हम बिना एक्सेलरेशन के फोर्स फाइंड नहीं कर सकते। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो अपने पास है ये और एक्सेलरेशन नहीं है। तो यदि यू दिया हो, वी दिया हो, एस दिया हो, ये तीनों वेरिएबल दिया हो, तो आप कौन से फार्मूला लगाएंगे कि उसमें एक्सेलरेशन निकल जाए? तो नेचुरली आपका फार्मूला क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, इनिशियल इज 20, ये हमने लिख दिया 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 50 मीटर, 50 मीटर पुट अप कर दिया। दैट इंप्लाइज 0 इक्वल टू ये हो गया 400 प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू एक्सेलरेशन। दैट इंप्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 100 ए इक्वल टू माइनस 400, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा तो -4 मीटर पर सेकेंड। ये अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन में क्यों हुआ बॉडी, आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझते जाइए, क्योंकि बॉडी कम इन रेस्ट, वो रेस्ट में हो रहा है। कोई भी बॉडी रेस्ट में कब आएगा, जब उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया है माइनस, तो माइनस साइन क्या शो करता है, ये रिटार्डेशन है, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट में आ गया। नाउ अप्लाइड फोर्स, अब हमको क्वेश्चन में सेकंड मतलब क्वेश्चन में हमको तो बेसिकली क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। तो एक्सेलरेशन फाइंड हो गया और हमको मास पता है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स। तो फोर्स एफ इक्वल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे मैग्नीट्यूड लिखे और लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मास है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है 4, दैट मीन्स 4 न्यूटन। इसको आप -4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिशन फोर्स,
फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, बॉडी के मोशन को डिक्रीज करता है और वो बॉडी को वेलोसिटी से उसको रेस्ट में ला देता है। इसलिए यहाँ पर -4 न्यूटन लिखेंगे, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्लियर। तो ये कहलाता है अपोजिशन फोर्स है ये, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन लगने का मतलब होता है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। नॉट इट वैल्यू इज लेस देन जीरो, माइनस का मतलब कभी मत समझना कि उसका वैल्यू जीरो से कम हो गया, माइनस यहाँ शो करता है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4 न्यूटन, -4 न्यूटन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन रीड करिए आप। सबसे पहले आपको, इसीलिए मैं बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद 50% वर्क आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए 8000 केजी इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ आप लोग को अच्छे से समझने के लिए। सपोज ये ट्रेन के हमने डिब्बे बना दिए, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स बना दिए, ये और ये इंजन है, क्लियर। इसको मैंने सपोज सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया, हालांकि डीजल इंजन होता था सिलेंड्रिकल शेप में, अब तो ऐसा नहीं होता, फिर भी बना दिया मैंने, ठीक है। ये सपोज वैगन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, अच्छा 5 वैगन दिया सपोज, ये 5 नंबर का मैंने इधर बना दिया ये, और ये क्या है, इंजन है, ये कनेक्टेड है सब। इस तरह से आप इसको ट्रेन समझ लीजिए, अब क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ए 8000 केजी इंजन मास आप 8000 केजी, क्लियर। नेक्स्ट ईच आप 2000 केजी मास ऑफ ईच वैगन, ठीक है, मास ऑफ क्या दिया, ईच वैगन्स इक्वल टू 2000, दैट मीन्स मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो जाएगा, इंटू 5, 2000 इंटू 5 दैट मीन्स 10,000, ये हो गया केजी। अब आगे क्या बोलता है देखिए, इफ द इंजन एक्सर्ट फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड टेक अपर से फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स आपको गिवन है, फोर्टी थाउजेंड न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है Fs, उसको मैं बोल रहा हूँ Fs, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स वो है 5,000 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना गिवन है आपको, क्वेश्चन में फाइंड करने बोलता है थ्री, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेटिंग फोर्स ये पूछा, सेकंड द एक्सेलरेशन ऑन द ट्रेन। एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाते हैं, देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सेलरेशन मतलब कितना होगा उसमें, ये हमको फाइंड करने के लिए बोलता है। यहाँ पर फिगर में इसलिए बताया था आपके, आप प्रॉपर उसको आपको बता सकूँ मैं, देखिए ये जो 40,000 न्यूटन है ये इस कंप्लीट सिस्टम पर, दैट मीन्स वैगन्स इंक्लूडिंग इंजन, ये फोर्स है
और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये इसका फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या है, फोर्स है, जो कंप्लीट उस पर फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, जो उस पर एक्सेलरेट कर रहा है, जो फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रहा है, ये फोर्स तो इसमें रिटार्डेशन डेवलप करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो रिटार्डेशन करता है, एक्सेलरेशन कौन करता है, ये। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स नेचुरली सीधा क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स 40,000 माइनस 5,000, दैट मीन्स 35,000 न्यूटन। ये तो फर्स्ट आंसर बहुत आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है एक्सेलरेटिंग फोर्स, इस एक्सेलरेटिंग फोर्स का आंसर कितना हो जाएगा, 35,000 न्यूटन। क्लियर। नाउ बी, बी क्वेश्चन में इसका क्या पूछता है, देखिए बी क्वेश्चन में इसके पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। क्लियर, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है अपॉन टोटल मास, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये A इक्वल टू नेट फोर्स अभी हमने निकाला है, ये नेट फोर्स है मतलब एक्सेलरेटिंग फोर्स है, तो ये हो जाएगा 35,000 अपॉन टोटल मास। टोटल मास देखिए, मास ऑफ द वेगन्स, फाइव वेगन्स, ये जो फाइव वेगन्स हैं इसके, इसका मास है 10,000 और इंजन का मास है 8,000। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, दैट मीन्स 18,000। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैलकुलेटर से आप 35 में 18, मैं करके बताता हूँ डायरेक्ट, 35 में आप 18 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर नंबर सेकंड, ये आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर। एंड सी, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछता है फोर्स ऑन वेगन वन, ऑन वेगन टू, फोर्स ऑन वन एंड टू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर। वो बोलता है कि ये जो फर्स्ट नंबर का वेगन है, ये इस पर सेकंड नंबर का वेगन कितना फोर्स लगाएगा। फिगर में आप ध्यान समझिए, फिगर मैंने इसीलिए ड्रा किया है ताकि उसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर का जो वेगन है, इस पर सेकंड नंबर का वेगन कितना फोर्स लगाएगा। तो यहां एक बार आप ध्यान रखिए, फर्स्ट के पीछे सेकंड नंबर का वेगन अकेला नहीं है, इस पर ये भी फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, दैट मींस उस पर टोटल फोर्स इतना अप्लाई होगा, दैट मींस कितने वेगन के, फोर वेगन के। ये बात आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट नंबर के वेगन पर सेकंड कितना फोर्स लगाता है, तो सेकंड अकेला नहीं है, सेकंड के साथ पूरे फोर यहां तक इंक्लूड है, तो 1, 2, 3, 4, तो फोर वेगन से यहां पर लगाएंगे, तो फोर्स उसका अपन निकालेंगे तो हो जाएगा नेट फोर्स अपन फोर्स, दैट मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। सीधा अपन यहां पर लिखेंगे मास ऑफ फोर वेगन इनटू, कैसे बताया मैंने, ये पूरे जितना है उसका मास, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्या होगा उसका, इनटू एक्सेलरेशन, दैट इक्वल टू, तो फोर वेगन का मास कितना हो जाएगा यहां पर, वन वेगन का मास कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। क्लियर। तो फोर वेगन का मास 4 × 200 और 1.94 अभी हमने क्या निकाला है, इसका एक्सेलरेशन निकाला है, तो ये हो जाएगा 4 × 2000 और इनटू एक्सेलरेशन इज 1.94। ये जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये वाला वैल्यू पुट अप करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मैं कैलकुलेटर से करके डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने पर आएगा 15520, ये फोर्स, दैट मींस न्यूटन, दिस इज आंसर नंबर थर्ड। तो थ्री क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे पूछा गया था कि एक्सेलरेटेड फोर्स, दैट मीन कितना
एक्सेलरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ये निकल गया। सेकंड नंबर में पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन पर टोटल एक्सेलरेशन कितना है, तो नेट फोर्स मतलब ट्रेन पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, और अपान मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपान मास, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स इस पर 35,000 लगा, ये निकाला, और टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स, तो ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आप स्टेटमेंट रीड करिए मेरे बोर्ड से या अपने बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड से आप क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, क्या गिवन है आपको, देखिए मास 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मींस इट्स फाइनल वेलोसिटी इज जीरो विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्टॉप हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ही, ए इक्वल टू माइनस 1.7 meter, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो इसका मतलब ही नहीं हुआ, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मास है 1500 और एक्सेलरेशन है ये माइनस 1.7, बस इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं कैलकुलेटर सॉल्व करके डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये माइनस आ जाएगा 2550, माइनस 2550 न्यूटन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मास दिया एक्सेलरेशन दिया, तो एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो आपको मल्टीपल चॉइस है और तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मैं ओनली न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, ये भी एक लाइन का है, कुछ नहीं है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक फोर्स है कितना 200 न्यूटन, We needed to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that bit? देखिए constant velocity, इस बात को आप ध्यान दीजिए, constant velocity, जब किसी भी body का velocity constant होता है तो उस पर acceleration क्या हो जाता है, zero हो जाता है, zero acceleration हो जाता है। What is the friction force That will be accepted on the cabinet? ये तो बहुत आसान हो गया, देखिए जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर मैं यदि 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और एक्सेलरेशन ही जीरो हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 200 न्यूटन का ही अपोजिशन फोर्स क्या होता है, क्योंकि बॉडी किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें जितना ये फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा क्या, 200 न्यूटन, क्योंकि अपोजिशन फोर्स इज एग्जैक्ट इक्वल ऑफ द फोर्स फॉरवर्ड फोर्स बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ये एक सिंगल लाइन आंसर है। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट आप बुक से ध्यान से रीड करिए, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1.5 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज M1 और M2, और दोनों का मास 1.5 kg है। क्लियर, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल दैट इज 1.5 kg, ये 1.5 kg है, ये ध्यान रखिए। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए दोनों का, एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है, दोनों के मास इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वो
सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर, दैट मीन्स v1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज इसका डायरेक्शन v1 है, इसका v2 है, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक टूगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये दोनों बॉडी क्या हो रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो टकरा रहे हैं इस तरह से। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद, जब वो टकराने के बाद कंबाइंड हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों इस तरह से आए और कोलिजन करने के बाद ज्वाइंट हो गए, तो ज्वाइंट होने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, क्लियर। तो लास्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अपन जानते हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम कितना होगा, तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कंबाइंड हो गए तो, और सपोज कंबाइंड वेलोसिटी क्या है, v है, और टकराने के पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा m1 u1, या पहले उसका वेलोसिटी हमने v1 लिया है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट बोला है क्वेश्चन में, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दैट इंप्लाइज दोनों के मास कितने हैं 1.5, ये हो गया 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी इक्वल मास 1.5 इंटू वेलोसिटी 2.5, और प्लस इसका मास 1.5 और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है तो -2.5, दैट इंप्लाइज ये 3v इक्वल टू 1.5 इंटू 2.5, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन -1.5 इंटू 2.5, ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स वी इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा। नेचुरली यदि आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, तो टू इक्वल मास के बॉडी जब इक्वल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन के बाद वो रेस्ट में आ जाएंगे, रुक जाएंगे, वो मोशन नहीं करेंगे, इसीलिए कंबाइंड वेलोसिटी कितना आ गया, वो जीरो। उनके मास अलग अलग होते हैं, यदि उनके मास अलग अलग होते हैं या दोनों का वेलोसिटी अलग होता तो बॉडी मोशन करता। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि इक्वल मास का बॉडी है और इक्वल वेलोसिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेचुरली कोलिजन के बाद, टकराने के बाद बॉडी क्या हो जाएंगे, रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जीरो। ये अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 इज न्यूमेरिकल, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, पढ़ लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 13, बोर्ड से आप रीड करिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन। एक बार आपको स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुली रीड करना चाहिए, अदरवाइज आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं समझ सकते, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास हॉकी का बॉल है, हॉकी बॉल का मास कितना है 200 ग्राम। सबसे पहले आप यूनिट को हमेशा एसआई यूनिट में एमकेएस में चेंज कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 200/1000 ग्राम, दैट मीन्स 1/5, ये हो जाएगा केजी, किलोग्राम में चेंज, 1000 डिवाइड करेंगे तो 1/5 केजी हो गया, ये गिवन है अपना। ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक, वो जाके हॉकी स्टिक से टकराया, सो एज टू रिटर्न इट एलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, आपने हॉकी या क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, बॉल जाता है, जाके क्या होता है, हॉकी स्टिक से टकराया या
बैट से क्रिकेट का भी गेम हो सकता है और टकराता है, क्या होता है, रिटर्न आता है, तो वापस आया बोल रहा है उसके अपने ओरिजिनल पाथ में विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये जाने का वेलोसिटी है और वो रिटर्न आता है जिसका वो है जो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अक्यूट इन द मोशन ऑफ द हॉकी बार बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान समझिए, एक हॉकी के प्लेयर के पास बॉल इतने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से बॉल गया, हॉकी से स्टिक से टकराने के बाद वो बॉल क्या होता है, रिबाउंड होता है, वो वापस आता है और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आता है, तो बोलता है मोमेंटम कैलकुलेट करना है अपने को, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें यूज कर लेंगे फार्मूला चेंज ऑफ मोमेंटम, क्वेश्चन में बोला है लास्ट बोलता है आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्शन बाय द वुडन ब्लॉक, नहीं नहीं 13 नंबर क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द फोर्स अप्लाइड, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट एक लाइन का आंसर हो जाएगा इसका, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, देखिए ये जाने का मोमेंटम दैट मीन्स एम वी वन और माइनस रिटर्न का मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट है, एम वी टू दैट इंप्लाइज एम को हम कॉमन कर लें तो एम वी वन माइनस वी टू दैट इक्वल टू मास कितना है 1/5 और ये वी वन है 10 और ये माइनस 5, ये माइनस मैंने पहले से लिख दिया है, ये हो जाएगा 5 10 माइनस 5 5 होगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1। देखिए इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी इसको विद साइन अपर, ये तो ठीक, यहां पर चेंज इन मोमेंटम का माइनस और इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे माइनस में पुट करेंगे, मैं इसको ऐसा सॉल्व कर लिए, एम को मैं कॉमन कर लिया, या छोड़िए यहीं पर मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूं डायरेक्ट, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, अब हम इसको वैल्यू पुट अप करते हैं दैट इक्वल ये हो जाएगा 1/5 वी वन इज 10 और माइनस 1/5 वी टू इज माइनस 5 ऐसा, तो 5 टू जा हो जाएगा ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा 3, क्लियर, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 3 kg meter per second। यहां पर आप देखिए ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, यहां पर चूंकि वो बाल रिटर्न वापस अपने डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो चेंज इन मोमेंटम के आप सामने माइनस का साइन लगा देंगे तो इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखेंगे यहां पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और दोनों माइनस होने से माइनस 3 भी हो जाएगा, इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, तो 13 का आंसर हो जाएगा। माइनस क्या साइन, माइनस क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हॉकी स्टिक से क्या कर रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं बाल को, तो हॉकी स्टिक से बाल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसे चेंज इन मोमेंटम माइनस हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ट क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ मास 10 kg, मास ऑफ द बुलेट, इसको बुलेट का मास अलग है, इक्वल मास ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम दैट मीन्स 10/1000 किलोग्राम दैट इज 1/100 kg, ये बुलेट का मास हो गया। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 150 मीटर
second inverse. Strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Time 0.03 second दिया है. Calculate the distance of penetration of the bullet. Distance find करने बोल रहा है. Into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. और हमको force apply करने बोल रहा है. फोर्स कैलकुलेट करने बोल. अब क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए. ये मैंने गिवन यहाँ पर और फाइंड क्या करना है. ये गिवन है और ये फाइंड करना है. क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कहता है ध्यान से समझिए. ये एक वुडन ब्लॉक, क्लियर. अब ये जो वुडन ब्लॉक है इसमें हमने क्या किया, एक बुलेट फायर किया. सपोज ये एक बुलेट है, गोली है. ये बुलेट फायर किया, बुलेट का मास दिया हुआ है आपको 1/100 kg. अब ये बुलेट जाके इसके अंदर में पेंट्रेशन मतलब इसके अंदर में घुस गया, वुडन ब्लॉक के अंदर में वो चला गया. वुडन ब्लॉक के अंदर में जाने में उसको जो टाइम लगा वो 0.03 सेकंड है. बुलेट का वेलोसिटी था 150 मीटर पर सेकंड और ये बुलेट यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक के अंदर पेंट्रेट हो गया, पेंट्रेशन मतलब उसके अंदर में घुस गया. और इसको अंदर घुसने में जितना टाइम लगा वो 0.03 सेकंड था. तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्टेंस अंदर पेंट्रेशन हुआ, मतलब कितना अंदर वो गया, वुडन ब्लॉक के अंदर कितना गया वो ये पूछता है. और उस टाइम में इस ब्लॉक ने इस पर कितना अपोजिट फोर्स अप्लाई किया ये आपको पूछ रहा है, क्लियर. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चन में है. ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट एक बार ध्यान समझिए. एक बुलेट है, बुलेट को क्या किया, वुडन ब्लॉक में हम फायर कर दिए. वुडन ब्लॉक में फायर करने से वो बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गया और अंदर घुसने में वो 0.03 सेकंड का टाइम लिया. तो अंदर वो कितने दूर तक अंदर घुसा, दैट मीन्स डिस्टेंस. और जब वो अंदर घुसा तो उसमें कितना फोर्स वुडन ब्लॉक के द्वारा अपोजिट फोर्स अप्लाई हुआ ये हमको कैलकुलेट करना है, क्लियर. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट आपको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 14, इसमें गिवन मैंने लिख दिया है. सबसे पहले आपको हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि कितने एक्सेलरेशन से वुडन ब्लॉक के अंदर वो जाता है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v = u + at, दैट इंप्लाइज यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं अपन v - u/t. दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन a = फाइनल वेलोसिटी. अंदर देखिए, अंदर जाके ये इनिशियल वेलोसिटी है. बुलेट अंदर जाके रुक गया क्योंकि जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर गया तो फाइनली रेस्ट में आ गया होगा. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, जीरो. और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 150 ये है. और टाइम उसने लिया 0.03 सेकंड का. दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स यहाँ रिटार्डेशन आएगा. तो ये जो एक्सेलरेशन होगा 150 में 0.03 अपन डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ कितना आएगा देखिए. -5 × 10³, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, ये 3 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसका रिटार्डेशन निकल जाएगा. यहाँ पर माइनस साइन शो क्या करता है, इसका रिटार्डेशन को शो करेगा, क्लियर. अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस कि कितना अंदर वो चला जाएगा. तो यहाँ पर आप देखिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस में आ गया. इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट हम किस फार्मूला से निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में आप यूज़ कर सकते हैं क्या. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट को करेंगे तो भी u पता है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ज़्यादा आसान होगा, सिंस v² = u² + 2as, ये ज़्यादा आसान होगा. यहाँ पर टाइम की जरूरत भी नहीं पड़ेगा. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है 150 का स्क्वायर और अपने को रिटार्डेशन पता है कितना, ये 5 × 10³. और क्या गिवन है, डिस्टेंस अपने को क्या करना है तो फाइंड करना है. ये क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कितना अंदर गया. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
दैट इम्प्लाइज ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एस इक्वल 150 इंटू 150 स्क्वायर मीन्स दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू 150 इंटू 150 अपॉन ये ट्रांसफर होके 5 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इम्प्लाइज एस यहाँ से आप कैलकुलेट करिए एस इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 20 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 5 3 जा 20 तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ये 20 इसके साथ तो 10 बचेगा तो ये 45 अपॉन 10 दैट मीन्स 4.5 मीटर तो ये जो बुलेट है वो 4.5 मीटर अंदर जाएगा यहाँ पर आंसर नहीं आया आंसर अच्छा हम क्या भूल गए 2a सॉरी यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई होगा तब तो फिर ऐसी साल हो जाएगा देखिए ये 150 इसको आप कैलकुलेटर से भी साल्व कर लेंगे 10 तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 कितना होता है 225 है ना तो ये 225 और 20 इसके साथ में आप कैंसल आउट कर देंगे तो ये अपान में हो जाएगा क्या 100 दैट मीन एस इक्वल टू हो जाएगा 2.25 मीटर आएगा ये या एक साथ आप सॉल्व कर लेना ये हो जाएगा एस इक्वल टू 2.25 मीटर मतलब बुलेट कितना अंदर चला जाएगा उसके 2.25 मीटर अंदर चला जाएगा अब वो पूछता है क्या फोर्स कि कितना फोर्स उसमें अप्लाई होगा यहाँ पर मैं छोटा सा निकाल देता हूँ फोर्स एक लाइन का है थर्ड आंसर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास अपने को पता है बुलेट का कितना 1/100 और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है एक्सेलरेशन निकाल लिया है ये हो जाएगा -5 × 10⁻³ दैट इक्वल इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा 3 है पावर में यहाँ पर 20 है तो हो जाएगा -5 × 10 यहाँ 10 बचेगा दैट मीन्स -50 न्यूटन तो -50 न्यूटन माइनस क्यों आया यहाँ पर क्योंकि वो एक्सर्टेड फोर्स है जो उसके द्वारा लग रहा है तो -50 इसका आंसर हो जाएगा -50 न्यूटन क्लियर माइनस साइन अपोजिट फोर्स को शो करेगा तो यहाँ पर क्या किया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला एक्सेलरेशन क्यों निकाला क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने पर ही फिर हम क्या निकाल पाएंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कि कितना अंदर बुलेट गया और जब हमको फोर्स निकालना है तो फोर्स निकल जाएगा किससे मास इंटू एक्सेलरेशन से -50 न्यूटन तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 रीड करिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप बोर्ड से क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझिए आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 एक बार मैं रीड करता हूं आप भी बोर्ड से पढ़िए ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मास ऑब्जेक्ट कितना दिया है 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक वो जाके बॉडी से टकराता है उसके साथ चिपक जाता है वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg वुडन ब्लॉक का मास कितना है ये 5 kg है क्लियर देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट सपोज कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अभी हमको फाइंड करना है ये देखिए क्या होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है
अब ये क्या हुआ, इसका मास 1 केजी है, ये 1 केजी का है और ये 5 केजी का है, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से गया और क्या हुआ, इसके साथ में ये टकरा गया, टकरा के क्या हो गए, दोनों चिपक गए, एक दूसरे के साथ में से चिपक गए। अब इसका टोटल मास 5+1 कितना हो जाएगा, 6, और ये मोशन करने लगे भी वेलोसिटी से, तो ये हमको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, टकराने से पहले और टकराने का बाद, ये दो कंडीशन में अपन निकालेंगे, ठीक है। M1 1 kg, V1 या U1, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी है तो U1 ले लेते हैं, U1 मास 5 kg, U2 अपने को सेकंड बॉडी किस में है, रेस्ट में है, सेकंड ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में। यहां पर आप ध्यान देंगे U2 जीरो हो जाएगा क्योंकि जो मूविंग ब्लॉक है वो रेस्ट ब्लॉक के साथ में कोलिजन करता है और ये कंबाइंड वेलोसिटी है, तो ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये आपको पता है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, M1 U1 प्लस M2 U2 दैट इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो पूछ रहा है अपने को, दैट मीन्स इसको हम सपोज कर लेते हैं P2, मान लो ये P1 है, ये सपोज P1 है, ये सपोज P2 है, तो P1 कितना हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को P2 हमने सपोज कर लिया जो कि क्वेश्चन में पूछा है अपने को, दैट इंप्लाइज M1 कितना है, 1 इंटू इसका वेलोसिटी 10, ये 10 हो जाएगा प्लस सेकंड का मास 5 है, लेकिन अभी वो रेस्ट कंडीशन में है क्योंकि रेस्ट बॉडी के साथ में टकरा रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2, दैट इंप्लाइज P2 इक्वल टू हो जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा है कि उसका टकराने के बाद मोमेंटम, कंबाइंड बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 10 केजी पर मीटर, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में इसका क्या पूछा है, उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू होगा M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों बॉडी क्या हो गए, स्टिक हो गया बोला, चिपक गया बोला है, तो P2 इक्वल टू होगा M1 प्लस M2 और उसका वेलोसिटी क्या है, V, ये हमको फाइंड करना है। P2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना, 10 इक्वल टू मास दोनों का, तो 5+1 इक्वल इंटू वी, दैट इंप्लाइज वी इक्वल टू हो जाएगा 10/6 और 10 में आप 6 को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं अपन कितना आएगा, 10/6 1.67 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ दो क्वेश्चन था, ये है आंसर नंबर फर्स्ट और ये आंसर नंबर सेकंड। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि मोमेंटम क्या होगा टकराने के बाद, दैट मीन्स P2, तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, P2 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि टकराने के बाद उसका कंबाइंड वेलोसिटी कितना होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज टोटल मास इंटू वेलोसिटी, तो टोटल मास इतना क्योंकि दोनों चिपक गए तो दोनों का मास सम हो गया इंटू वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी है, ये निकल जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी क्वेश्चन है, देखिए रीड करिए आप 16 नंबर क्वेश्चन बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 16,
An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 meter per second to, देखिए मास गिवन है आपको कितना, मास इज 100 kg, ये अब उसका जो वेलोसिटी एक्सलेट होता है फ्रॉम 5 मीटर टू, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सलेट होके फाइनल वेलोसिटी हो जाता है कितना, 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, इनिशियली इतना था फाइनली इतना हो गया, और इन टी 6 सेकंड बोल रहा है, 6 सेकंड ये गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एक्सर्टेड फोर्स, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम सपोज वो P1 है, आसान है कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m है, वेलोसिटी कितना है u, दैट इक्वल मास इक्वल टू कितना हो गया 100, और वेलोसिटी कितना दिया उसका 5, तो कितना हो गया 500। एंड फाइनल मोमेंटम सपोज फाइनल मोमेंटम इज P2, तो मास इज m, मास तो उतना ही, वेलोसिटी क्या हो गया v, तो मास 100 और इनटू वेलोसिटी अब कितना हो चुका है 8, तो दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। क्लियर, यूनिट आप लिख लेना, इस तरह से हो गया 500। अब लास्ट में क्या बोला है वो, फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो यहां से फोर्स निकल जाएगा, दैट इक्वल फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम इज 800, इनिशियल मोमेंटम इज 500, और अपॉन टाइम टेकन इज 6 सेकंड। क्लियर, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा 3/6, ठीक है, 300/6, दैट मींस ये 50 न्यूटन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा कितना 50 न्यूटन। तो ये आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आप चेंज इन मोमेंटम, पहले इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, ये इजी क्वेश्चन है। और लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत आसान है, नंबर क्वेश्चन, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg, डंबल का मास कितना दिया हुआ है 10 kg, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स ऑन द हाइट ऑफ 80 cm, हाइट मतलब ये हाइट डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पर, 80 cm इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/100, दैट मीन्स 8/10, ठीक है, 8/10 कर दीजिए, या अपन लिख सकते हैं क्या 4/5, ये हाइट है इसका मीटर, अभी मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। आगे क्या बोलता है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 m/s, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 m/s² है, हाउ मच मोमेंटम, ठीक है, कितना मोमेंटम उसमें अप्लाई होगा बोल रहा है, तो मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो जब वो टकराता है फ्लोर से तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v² = u² + 2as, इस तरह से, दैट इंप्लाइज फाइनल वेलोसिटी, फाइनली फाइनल वेलोसिटी गिवन है ना अपने को, क्वेश्चन में नहीं दिया क्या फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी ही निकालते हैं तभी तो मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे दैट इंप्लाइज वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन इज 10, 10 एक्सेलरेशन दिया है और कितने हाइट से उसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं 4/5 मीटर दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 जा और ये 16 दैट इंप्लाइज स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से तो वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है मोमेंटम, तो p इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास क्वेश्चन में कितना दिया 10 kg और हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया कितना 4 दैट मींस ये हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर क्लियर 40 kg मीटर सेकंड। ये हो गया हमारा 18 नंबर का न्यूमेरिकल दैट मींस लास्ट न्यूमेरिकल्स। तो हमने यहाँ पर देखे क्या किया एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स कलेक्शन है एनसीईआरटी के वो हमने सॉल्व किया और एक बात आप ध्यान में रखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बार बार इस बात को मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में पूरा फोकस होकर वर्क करिए अदरवाइज आपको आगे 11th 12th में ये पूरा 11th 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आएगा और जब तक आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते नीट और आईआईटी जेई के लिए आपको ये मस्ट कंपलसरी है। ओके थैंक यू।